गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रिता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धागोपाल नंदना पालतु वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद्भागवत गीता 65 नंबर श्लोक। मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामैव यश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन मना मद भव मदभक्तो मद्यादी माम नमस्कुरु मामैव यश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैव यश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैव यश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कहते हैं, मन मना अर्थात मेरे में मन वाले बनो, मदभक्त मेरी श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का सहारा लो, मध्यादि मेरे पूजक भव बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे ही प्राप्त करोगे। तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने अन्वय जो किया है वो भी एक विशेष स्थान रखता है।
अच्छा अन्वय भी जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया है। टीका में कहते हैं मन मना भव इति मदभक्ता सन्नैव माचिन्तया, न तो ज्ञानी योगी व भूत्वा मद ध्यानम कुर्वत्येति अर्थ। यद्वा मनमना मह्यम श्याम सुंदरम सुनिग्ध कुंचित कुंतलकाय सुंदर भ्रूवल्ली मधुर कृपा कटाक्षामृत वर्षी वदन चंद्राय स्वयं देत्यैव देत्वेन मनो यस्य तथा भूतो भव अथवा श्रोतादिन्द्रियाणि देहित्याह मदभक्तो भव श्रवण कीर्तन मन मूर्ति दर्शन मन मंदिर मार्जनादि लेपन पुष्पाहरण मनमाला अलंकार छत्र चामरादि भी सर्वेन्द्रियकरणम मदभज मदभजनम कुरु। ये जो कल हम लोग चिंतन कर रहे थे उसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बोला है, उसका भावानुवाद शिल भारती महाराज जी के अनुगत में और बहुत से पंडितों के द्वारा मुनि महाराज जी ने किया। भावानुवाद मनमना भव अर्थात तुम मेरे भक्त बनकर मेरा चिंतन करो, किंतु ज्ञानी या योगी की तरह मेरा चिंतन मत करना। क्यों भाई? भक्त बन करके चिंतन करने का मतलब ज्ञानी योगी बन के नहीं करना। भव मद भक्ता मन मना अपना मन मेरे को दो, मेरे में लगाओ, मेरा ध्यान करो, लेकिन कैसे? भक्त बन के, योगी और ज्ञानी बन के नहीं। योगी और ज्ञानी बन के क्यों आपका ध्यान नहीं करते? कहते नहीं, वो केवल मेरे प्रकाश पुंज का ध्यान करते हैं, मेरा ध्यान नहीं करते, क्योंकि वह मेरे अतुलम श्याम सुंदरम जो स्वरूप है उसका दर्शन नहीं करते, बल्कि श्याम सुंदर सुनिद्ध घुघराव घुंघराली लटें सुंदर भू लता मधुर कृपा कटाक्ष वर्षनी वर्षनकारी मुखचंद्र वाले मुझको अपना मन समर्पण कर दो। ये रूप के बारे में क्यों बोला? इसलिए बोला कि मनुष्य जो है रूप के प्रति मोहित हो जाता है। चलो रूप के प्रति मोहित होता है तो हर कोई क्या रूप के प्रति मोहित होता है? एक स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, उसके रूप को देख करके पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त होता है। क्या सखा भी रूप को देख के मोहित होता है? क्या माता पिता भी रूप को देख के मोहित होते हैं? ऐसा तो होता नहीं। क्या नौकर दास भी जो है रूप को देख के मोहित होता है? ऐसा तो नहीं होता। नौकर नौकर सेवा करेगा, मालिक जैसा भी सुंदर हो, अपूर्व हो, कैसा भी हो, माता पिता का पुत्र जो है कुरूप भी हो तभी माता पिता का स्नेह तो पूर्ण रहता है। मित्र के लिए काला पीला नीला हरा जो भी हो उसके लिए तो मित्र है। यहाँ पे ऐसा क्यों कहा? श्याम सुंदर सुस्निग्ध घुंघराली लटे, सुस्निग्ध एकदम सुखी हुई नहीं, स्निग्ध हैं, और सुंदर भ्रूलता बड़ी सुंदर, और मधुर कृपा कटाक्ष बड़ा ही प्रेम से देखते हुए। कटाक्ष बोलते हैं कटे हुए अक्ष, नेत्रों का कटान में देखा जाए,
कटाक्ष कहते हैं। मधुर कृपा कटाक्ष वर्षणकारी मुख चंद्र, मतलब कृपा कटाक्ष को वर्षा करने वाला मुखचंद्र, पूरे मुखमंडल में आंखों के ऊपर जोर दिया है। आंखें जो हैं वो पूरे मुखमंडल की शोभा होती है। व्यक्ति अगर किसी को प्रेम से देखता है तो भी पता लग जाता है, व्यक्ति श्रद्धा से देखता है तो भी पता लग जाता है, अश्रद्धा से देखता है तो भी पता लग जाता है, परीक्षा की नज़र से देखता है तो भी पता लग जाता है। आंखें सब कुछ बताती हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि मुझे कई लोग बड़ी ज़्यादा श्रद्धा के साथ में देखते हैं, जब मैं उनको देखता ही नहीं, जाओ मरो। क्योंकि मैं किसी और को देख रहा हूँ, मैं अगर देख रहा हूँ गुरुजी को, उनकी कृपा को, तुम जिसे मर्जी देखते रहो। तो मेरे को किसी ने एक बार बोला, कहते जब आप उनकी कृपा कटाक्ष को देखते हैं वो आप पे कृपा करेंगे ही नहीं। मैंने कहा भाई तू कौन है, क्यों नहीं करेंगे? कहते क्योंकि आप किसी पे करते नहीं भाई, चीज तो वही होती है जो ली जाए और दी जाए। आप तो प्रसाद पूरा ही खाना चाहते हो, देते तो हो नहीं किसी को। तो मैंने उनको बोला देखिए ये ऐसी वस्तु नहीं है कि जो दी जाए, ये है स्वाभाविक आ जाती है। तो इसलिए भगवान का मुखचंद्र ही ऐसा है कि जहाँ से जैसे चंद्र से नित्य किरणें बहती हैं, प्रवाहित होती हैं, वह किरणें जितने भी जीव हैं उन जीवों में ऊर्जा वर्धित करती हैं। ऊर्जा मतलब शांत ऊर्जा, एक चालित ऊर्जा होती है, एक शांत ऊर्जा। चालित ऊर्जा होती है सूर्य के द्वारा, शांत ऊर्जा जो है भीतर ही भीतर शक्ति संपादन करती है वो चंद्र की ऊर्जा होती है। चंद्र की ऊर्जा के द्वारा जो है जितने भी फल हैं उन फलों में रस आता है। जितने भी संसार में फल हैं उनमें रस आता है, जितने भी फूल हैं उनमें सुगंध आती है। सुगंध धरती के कारण होती है, लेकिन चंद्र जो है अपनी किरणों से उसे विस्तार करता है। दो एक फूलों को छोड़ के वो अपवाद है। तो यहां पर भगवान का मुखचंद्र जो है वो उनमें से रस बरस रहा है। वो रस जो है नेत्रों से, भगवान सामने से किसी को देखेंगे इतना सौभाग्य तो किसी का है ही नहीं। कहते चलते हुए आप देख वहां रहे हैं लेकिन आपके यहां भी दिखलाई दे रहा है, इसको कृपा कटाक्ष कहते हैं कि ऐसे ही देख लो। समझे नहीं? जैसे हम यहां पे देख रहे हैं, मैं वहां देख रहा हूं, तो मुझे को मालूम है कि ये खिड़की का पल्ला खुलने जैसे खुलेगा, मैं एकदम ऐसा है कि हे श्याम सुंदर आप राधा रानी को देख रहे हैं, ठीक है, आप निजनों को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके अगल बगल में हम भी कहीं पे हैं, हमारी तरफ भी कृपा दृष्टि कर दो। तो कहने का मतलब यहाँ केवल मधुर रस के भक्तों की बात नहीं है, यहाँ सबकी बात है। शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर, सभी चाहते हैं कि कृष्ण हमारी तरफ देखें, कृष्ण हमें देखें। कहते जो देखते हैं तो उनकी लटें कई बार आंखों के बीच में आती, तो उन लटों को देख करके उनको थोड़ा सा चिढ़ होती। ये घुंघराले बाल भी ना बहुत तंग करते हैं, ठाकुर जी के मुखाम अमृत का पानी नहीं करने देते, एक मुख कमल का। ये तो भौंरे हैं ना, भक्तों के नेत्र भौंरे हैं, हमेशा ठाकुर जी के मुख कमल में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार जो आंखों के सामने आते हैं ना तो वो वर्षण में एकदम जैसे ग्रहण नहीं लग जाता चंद्र को, तो सारी पृथ्वी जो है वो पूर्ण चंद्रमा का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, फिर भी जो है उनकी कृपा का वर्षण नहीं हो रहा,
इसलिए उस ग्रहण को बड़ा पवित्र मानते हैं। पूर्णिमा का दिन फिर भी चंद्र का जो पूर्ण सत्व आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से भगवान मुख चंद्र पूर्णिमा का स्वरूप और उसके बीच में ग्रहण सा लग जाता है तब सारे भक्तों के हृदय में उद्वेग होता है। कहते इस प्रकार से तुम भक्तिमान हो करके मेरे में अपना मन अर्पण करो। मन अर्पण करने की बात कही है यहां। मन केवल मन नहीं है यहां, मन जो है चैतन्य मन की बात है अर्थात चित्त की बात है। क्यों मन दूसरा क्यों नहीं है? दूसरा भी है लेकिन मतलब उस मन में, इस मन का, उस मन में अंतर मन का समावेश हो जाए तब मन मना, तब वो मन मेरे में लगता है। इस प्रकार से आगे कहते हैं मेरी कथा श्रवण करो, कीर्तन करो, मेरी मूर्ति के दर्शन, मेरे मंदिर में मार्जन सफाई लेपन पुष्पचयन माला अलंकार छत्र चामर आदि द्वारा सभी इंद्रियों से मेरा भजन करो। मुझे गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करो। मद्याजी भव अर्थात मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु अर्थात भूमि पर लेटकर अष्टांग या पंचांग प्रणाम करो। मेरे चिंतन सेवा पूजा और प्रणाम इन चारों को एक साथ या इनमें से किसी एक को करो। मामयि वैश्यसि अर्थात इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। तुम अपने मन को मुझे प्रदान करो, इसके बदले मैं स्वयं को तुम्हें प्रदान कर दूंगा। यही सत्य है, तुम इस विषय में संशय मत करो। अमर कोश के अनुसार सत्य मतलब शपथ और तथ्य, इन तीनों का एक ही तात्पर्य है। यदि कहो कि मथुरावासी तो बात बात पर शपथ खाते हैं, मथुरावासी अरे तेरी सौ, अरे मेरी अम्मा की सौ, बाप की, ठाकुर जी की कसम, बात बात पर शपथ खाते हैं तो उनका भरोसा क्या करें? तो उत्तर में कहते हैं ये बात ठीक है, मथुरावासी बात बात पर शपथ खाते, किंतु मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं, मैं शपथ नहीं खा रहा हूं, प्रतिज्ञा, प्रति जाने प्रतिज्ञा, तुम मेरे प्रिय हो, छल नहीं कर रहा। ये बात भगवान कह रहे हैं, इस बात को हमारे परम पूजनीय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा 66 नंबर श्लोक 18वां अध्याय। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच मोक्षयामि। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्त विनोद ठाकुर जी मनवानुवाद में कहते हैं, पहले अन्वय को पढ़ते हैं,
सर्वधर्मान अर्थात वर्ण और आश्रम के लिए विहित समस्त धर्मों को परित्यज्य परित्याग कर एकम एकमात्र माम मेरा शरणम व्रज सहारा लो। अहम मैं त्वाम तुझे सर्व पापेभ्य सर्व पापों से मोक्षयामी मुक्त कर दूंगा। मां सुच शोच मत कर। यहां पर मर्मानुवाद में भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान और ईश्वर ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देते समय भगवान ने वर्ण और आश्रम धर्म, संन्यास धर्म, वैराग्य, शमदम आदि धर्म, ध्यान योग, ईश्वर की ईशिता के वशीभूत होने इत्यादि जितने प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया है, उन सब को पूरी तरह त्याग कर भगवत स्वरूप का एकमात्र भगवत स्वरूप एकमात्र मेरी शरण स्वीकार करो। देखिए, पिता ही पिता के बारे में बच्चे को बतलाता है। अच्छा बोल, पापा का क्या नाम है, उसको क्या मालूम, वही बतलाता है। राम लाल, बोल राम लाल शर्मा, शर्मा कौन है, पापा जी, पापा जी कहाँ हैं, अरे पापा जी, अपने आप को पापा जी बोल के बच्चे को सिखाता है। ये भगवान का प्रेम है। कहते ब्रह्म ज्ञान ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति जब भगवान बतला रहे थे उसमें बहुत से उपदेश दिए उन्होंने, वर्ण का आश्रम का धर्म बतलाया, वर्ण का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, ये सब बतलाते हुए क्या हो रहा है, वर्ण एवं आश्रम धर्म को, संन्यास धर्म को, सबको बतलाते हुए भगवान ने वैराग्य के बारे में बतलाया, शमदम के बारे में बतलाया, बहुत से बातें बतलाई, ईश्वर माया, ईश्वर की शक्ति, ईशिता, सब कुछ बतलाने के बाद में भगवान कहते हैं सबको छोड़ करके मुझे भगवत स्वरूप में तो शरणागत हो। तो कई लोग ऐसा समझते हैं अज्ञानता के कारण कि भगवान कहते हैं भगवत स्वरूप में शरण ग्रहण करो, भगवान भगवत स्वरूप की शरण ग्रहण करो, इसका मतलब भगवान खुद के लिए नहीं बोल रहे। कई लोग ऐसा व्याख्या करते हैं, शरण ग्रहण करो, करो शब्द बोला है और कई महामूर्ख तो ऐसे हैं, ब्रज शब्द का मतलब होता है चलना, ब्रज तो चलना कहते हो, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मेरे पास आ और जा, ये क्या है। मैंने कहा कि मतलब कुछ संस्कृत का तनिक भी ज्ञान हो व्यक्ति ऐसी बात नहीं करता, भाग्य क्रम से अभी तो वो जेल में है और लाखों लोगों को, मतलब हजारों नहीं लाखों लोगों को ऐसे शिष्य बनाया उसने, रामपाल के नाम से है। वो कहते देखो भगवान जी कह रहे हैं, हाँ कृष्ण जी कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ के जा शरण में जा, ब्रज का मतलब जा होता है, ब्रज का मतलब जा नहीं होता है, चलना होता है, किसकी, माम मेरी, एकम अकेले की शरण में चल। चल क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि अभी तू बहिर्मुख होकर के चल रहा है। बहिर्मुख होकर कैसे चल रहा हूं भाई? आपने जो बताया ये कर वो कर वो कर, उस तरफ चल रहा हूं। कहते मेरे बताए हुए मार्ग जितने भी मैंने बतलाए थे वो स्वभाव अनुसार बतलाए थे, लेकिन तेरा जो आत्मिक स्वभाव है, आत्मा का जो एक स्वभाव है, उसके अनुसार मैं तुझे बोलता हूँ, शरणम रज। कहते अगर मैं आत्मा के स्वभाव के अनुसार चला तो शरीर तो है, शरीर के धर्म को नहीं मानूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये बात भगवान ने कही। लेकिन वही वाली बात है, लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। जैसे सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमोपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्य वेद 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 वेदांतकृत वेदैव वेदांतकृत वेद वेदैव चाहम। भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में चाय बनके, चायम चाहम मतलब चाह बनकर, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठ गया। मत्तः मेरे द्वारा उनकी स्मृति ज्ञान अपोहनम च, उनकी स्मृति और ज्ञान को मैंने हरण कर लिया चाय पिला के। वेदश्च सर्वम अहमैव वेद्य, वेदों में सभी जगह मेरे को ही जाना जाता है। अहमैव वेद्य क्या, किस रूप में जाना जाता है? वेदांत कृत वेद विदैव चाहम, कि मैं वेदांत को बनाने वाला हूँ और सब में मैं चाई हूँ। मतलब वेदों में भी सारा कुछ निचोड़ निकाल करके सब मेरे बारे में बता रहे हैं, अर्थात मैं चाय के रूप में सब में विराजमान हूँ, इसलिए चाय पियो। कश्मीर का राजा जो था उसने ये व्याख्या की परम पूज्य संत गोस्वामी महाराज के सामने। संत गोस्वामी महाराज जी वहां गए तो वहां भाषण पर हरि सिंह था, तब शायद हरि सिंह राजा था कश्मीर का, जब ये हमारा देश अलग नहीं हुआ था। कौन था तब? हरि सिंह थे ना, हरि सिंह तो वो राजा थे। वहाँ गए इन्होंने चाय के बारे, प्याज लहसुन के बारे में बोला, फिर चाय के बारे में बोलो। कहते हैं मेरे चाय के इतने बगीचे स्वामी जी, आपने चाय के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया। तब वो कहते हैं तो जो है सत्य हो तो बोले, कहते सत्य क्या है, मैं तो गीता कितनी बार पढ़ा, गीता में कितनी जगह भगवान ने चाय की महिमा बोली है। सारे वेदों में शास्त्रों में चाय की महिमा बोली, आप चाय को ऐसे बता रहे हो। कहाँ बोली, हमने तो गीता पढ़ी, हम तो कभी देखा नहीं। तब उन्होंने श्लोक दिखाया, कहते वाह आनंद आ गया। अगले दिन वो कथा में बोला उन्होंने, वो राजा बेचारा मुँह लटका के बैठा कि अरे किनको बुला लिया हमने। तो इस प्रकार से अर्थ का अनर्थ करने वाले। अब भव का मतलब चलना है, चलना किधर? माम एकम शरणम, मेरी एक की शरण में चल। अब चल क्यों बोला? वो कहते चल क्यों बोला, आ बोलना चाहिए। ओए मूर्खो, संस्कृत में आ शब्द जो है प्रयोग छंदों के अनुसार किया जाता है। जहां आ का प्रयोग करना है, आगच्छ जहां प्रयोग करना है, तो हमारी गच्छ है, गच्छ शब्द वहां भी है, गच्छ का मतलब चलना, तो आ लगा दिया। तो कहते यहां पे भगवान को आ ब्रज बोलना चाहिए था। तो कहते उनको समझाने के लिए, तो भगवान क्या कहते हैं, आ लगाया कहां पे? आ तब लगाया जाता है जहां पे ये नहीं बोला जाता, जहां प्रयोग किया जाता है आजा, वहां पर अपना क्या हुआ? अपना परिचय नहीं दिया जाता, अपनी महिमा नहीं बोली जाती। लेकिन जहां अपनी महिमा बोली जाती वहां पे आजा नहीं बोला जाता, और जा नहीं। हाँ, वहां पे जैसे माम एकम, मेरी एक की शरण में शरणम ब्रज चल, चल का मतलब क्यों बोला? अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था,
मेरे हत्थे लग गए वो लोग। मैंने कहा भगवान ने इसलिए कहा कि देख मेरी एक की शरण में रह और जा युद्ध कर, और चल तू जा लगा रहे हो अर्थ तो मैं जा ही लगा रहा हूं, आ जाओ मैदान में। तुम लोग जा अर्थ कर रहे हो ना, ब्रज मतलब चल जा, तो आओ जा ही लगा रहे हैं। किस लिए कहां जा, सारे धर्मों को छोड़ के जा युद्ध कर। वो कहता डर लगता है, अहम तो आम सारे पाप, मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त करूंगा, जा ले तुम्हारा ही अर्थ लेते हैं, जा युद्ध कर। खोपड़ी घूम गए उनकी। चलो जो भी है, भगवान यहां कहना चाहते हैं ब्रज, आब्रज शब्द का प्रयोग होता है, तो आब्रज मतलब होता आओ, ब्रज मतलब चलो, चलने का मतलब सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में चलो, चलो का मतलब जो मैं कहता हूं वैसा करो, चलने का मतलब ये होता है, मेरी शरण में चलो, मेरे अधीन चलो, मेरे अनुसार चलो। तो मेरे अनुसार चलो बोलने का मतलब चलना शुरू कर देना नहीं है, बैठ के भी चला जा सकता है। तो यहां युद्ध करके चलने के लिए बोल रहे हैं, तो युद्ध करके चलने का मतलब अब मैं अगर किसी को बोल चलो चलो घर चले, तो वो चलो घर चलने का मतलब क्या है, मैं साथ में हूं, मेरी शरण में चलो घर चले। तो चलो का मतलब चलो मतलब चलते रहो, किधर चलना है, मेरी शरण में, मेरे घर चलो, मेरे साथ सारे धर्मों को छोड़ दो। कहने का कितने से अर्थ इसके निकलते हैं, लेकिन बड़ी सुंदर बात, हमारे परम गुरु जी के शिष्य थे सूरज भान जी दिल्ली के, वो बोलते थे खारे खून कदी मिठे नहीं होंदे, चाहे कुट कुट मिश्री पा, खारे खून कदी मिठे नहीं होंदे, चाहे कुट कुट मिश्री पा, बेअकलां नूं अकल नहीं आने चाहे कोठे चढ़ समझा। जो बेअकल हैं उनको अकल नहीं आके छत पे ले जाके समझाओ तब भी नहीं अकल आएगी। तो ये बारी बात है, यहाँ पे जो भगवत स्वरूप कह रहे हैं उसका अर्थ कई लोग लगाते हैं कि भगवान का ये मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य स्वरूप है जो नष्ट हो जाएगा, भगवत स्वरूप अलग है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। ये अज्ञानता है। क्यों अज्ञानता है? पिता कई बार अपने पुत्र को समझाता है, पापा बुला रहे हैं चलो पापा के पास चलो, बोलो पापा को सॉरी बोलो, तो पापा बोला इसका मतलब अपने बाप को नहीं बोला, वो चलो मम्मा को सॉरी बोलो, मम्मा को सॉरी बोलो, चलो मम्मा को सॉरी बोलो। बच्चा उन्हीं के पास आ रहा है, उसको पता ही नहीं मम्मा को सॉरी बोलो बोलने से मम्मा कौन है, तो इशारा करता है मम्मा, चलो पकड़ के उधर भेजता है मम्मा मम्मा मम्मा, बार बार सुनाता है ये मम्मा है तेरी, सॉरी बोल। हाँ मम्मा को पारी करो, चलो मम्मा को पारी करो, बच्चे को माँ बोल रही है मम्मा को पारी करो, माँ माँ को बोल रही है पारी कर, बच्चे को बोल रही है मम्मा को पारी कर, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और मम्मी है। ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जब व्याख्या के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले भगवत स्वरूप का मेरी एकमात्र शरण ग्रह, मेरे भगवत स्वरूप की एकमात्र, मेरे मतलब ये अभगवत स्वरूप है जो मेरे भगवत स्वरूप की एकमात्र शरण ग्रहण करो, ऐसा नहीं है, भगवान भगवान ही हैं। ये बात आज 5 मिनट ज्यादा हो गए, 5-6 कर दूर कृपा सिंधुपति का नाम भाव वैष्णव है। हरे हरे नम कृष्ण यादव आय नम, कभी कभी गिरिराज जी तुलसी जी इन सबका दर्शन। हरि हराय नम कृष्ण यादवाय नम, गुरु जी के बाद यादवाय माधवाय केशवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन बिहारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जय सनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्त दास।
शरण मंगल जाय तेरे नाश विषपुरम जय जय गोसाइया मुनि तर जा असवार पद दिन भोर पंच जा तादे चरण से गत शनिवा जनमे जनमे हरे अभिलाष जय जय गोसाई जब दिल कैला वास राधा कृष्ण नित्य चरिता कृपा आनंदे बोलो हरि ब्रज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव परिमनयान श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म चरियास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास इतो नृसिंह पर को नृसिंह यतो यतो यामि सको नृसिंह वहे नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंह मानिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नृसिंहाय कलनलनाय नृसिंह से